दोस्तों मैं हूं अनीता स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में आई होप मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे आज मैं इस वीडियो में मेरी नवरात्रि की मैं किस तरह से पहले तैयारी करके रखती हूं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप पहले किस तरह से तैयारी करती हैं उसे भी शेयर कीजिए तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं तैयारी में क्या करती हूँ इस तरह से जो मिट्टी का ये बर्तन आता है तसला जैसा ये मैं ला देती हूँ और इसे मैं थोड़ी देर एक घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगा देती हूँ कि उसमें पानी अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए उसके बाद इसे मैं पेंट करती हूँ आप ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर डेकोरेशन करके माता की चौकी लगाते हैं तो अच्छा लगता है तो मैं इसे इस तरह से गोल्डन पेंट जो आता है उसी से पेंट कर देती हूँ इस तरह से पेंट करने पे ये काफ़ी खूबसूरत लगता है तो इस तरह से पेंट करके इसे रख देती हूँ और जिस दिन घट स्थापना होता है तो उस दिन मैं इसमें जो जौ होता है जौ को बोने के लिए इस तस्ले का इस्तेमाल करती हूँ यूज़ करती हूँ तो देखिए इस तरह से गोल्डन पेंट करने के बाद ये कितना सुंदर दिखने लगा है उसी के साथ साथ मैं घी के दिए भी इस तरह से बना के रख लेती हूँ वैसे तो जो मैं खंड दिया जलाती हूँ नौ दिन तक वो मैं तिल के तेल का जलाती हूँ लेकिन आरती करने के लिए इस तरह के घी के दिए की जरूरत पड़ती है तो मैं बार बार जो गोल वाली बाती होती है उसे हाथ लगाओ फिर घी में हाथ लगाओ तो काफ़ी सारा हमारा हाथ ख़राब भी हो जाता है हमारे हाथ ऑयली हो जाते हैं तो मैं इस तरह से घी के दिए बना के रखती हूँ इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड में इसे बना के रखती हूँ जिससे कि आसानी से जब आरती करनी होती है तो फटाफट एक क्यूब लेके और हम आरती कर लेते हैं तो इस तरह से मैं ये भी काफ़ी सारा बना के रख देती हूँ अभी मेरा ख़त्म भी हो गया था जो मेरे रेगुलर पूजा में ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी मुझे ज़रूरत थी तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए बना ले रही हूँ रेगुलर पूजा के लिए भी और नौ नौ दिन की जो आरती होगी उसके लिए भी तो ये भी मेरी एक तैयारी हो चुकी है उसी के साथ यहाँ पे मैं जो जौ को बोने के लिए मिट्टी लगती है तो उसे भी मैं चाल के ले लेती हूँ क्योंकि इस तरह से जब डायरेक्ट हम मिट्टी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं तो इस तरह से जब डायरेक्ट हम जौ बोते हैं तो उतने अच्छे से जौ हमारा उगता नहीं है तो इस तरह से मैं उसे भी पहले से मिट्टी को छान के रख लेती हूँ उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ इस तरह से जो छोटी मोटी तैयारी होती है कहने के लिए छोटी मोटी तैयारी होती है लेकिन अगर हम उसी दिन करने जाते हैं जिस दिन हमें नवरात्रि का पहला दिन होता है घट स्थापना होता है तो काफ़ी सारा काम हो जाता है और जल्दबाजी में करने पे वो सही से होता भी नहीं है तो इस तरह से जब हम पहले से ही एक दो दिन पहले से हम इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारा आराम हो जाता है आसानी से हमारा काम हो जाता है और साल भर का यही सबसे बड़ा त्यौहार होता है नौ दिन की ये त्यौहार होता है कोई भी त्यौहार पूरे नौ दिन की नहीं होती है तो इसमें तैयारी भी हमें एक दो दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए जिससे हमारे काम का बर्डन हमें नहीं होता है और आराम से हमारा पूजा के दिन हम पूजा पाठ में हमारा ध्यान लगा सकते हैं इसी तरह से अष्टकमल बनाने के लिए मैं इस तरह से फूड कलर का यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मैं पीला लाल और हरा ये तीन कलर के ड्राई वाले जो फूड कलर आते हैं उसे ही ले लेती हूँ और ये साफ़ लेती हूँ अलग से मैं इसे खरीद के लाती हूँ पूजा के लिए तो इस तरह से मैं चावल ले लेती हूँ और यहाँ पर पहले से ही मेरे पास ये हरा और लाल कलर का थोड़ा थोड़ा चावल बचा है क्योंकि रेगुलर में भी मेरी कुछ ना कुछ पूजा होती रहती है तो उसे में उसमें भी मुझे अष्टकमल बनाने के लिए ये सब चावल की जरूरत होती है तो इतना सा है और इसमें अब थोड़ा सा नया भी हम बना लेंगे तो इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ इसे बनाने के लिए इस तरह से मैं पॉलीथिन ले लेती हूँ एक और उसमें चावल ले लेती हूँ जितना चावल हमें जरूरत हो उतना चावल ले लें और फिर उसमें हम फूड कलर डाल देंगे जिस कलर का आपको चावल को रंगना है तो उसे हम यहाँ पर आधा चम्मच में पहले डाल रही हूँ ड्राई ही डालेंगे और उसे इस तरह से पॉलीथीन को पकड़ेंगे तो एक हवा जैसी भर जाती है पॉलीथीन में और उसे पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा आ, हिलाएंगे तो कलर पूरे चावल में लग जाता है इस तरह से लग जाने के बाद भी आप देखेंगे कि चावल अभी भी सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है उसके बाद उसमें हम एक दो ड्रॉप पानी डाल देंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है चावल हमारे बहुत ज़्यादा गीले हो सकते हैं तो एक दो ड्रॉप ही पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से हमारे चावल में कलर आ जाएगा तो फिर से उसे हमें इस तरह से पॉलिथिन को पकड़ना है और उसे अच्छी तरह से इस तरह से हिला देना है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें कलर आ गया है और थोड़ा सा और डेढ़ तो लगता है चावल को रंग लेंगे तो देखिए इस तरह से रंग लेने के बाद उसे थोड़ा सा पांच दस मिनट इस तरह से ही खुला रखेंगे तो आराम से चावल ड्राई हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से इसमें कलर आ जाता है आप देख सकते हैं और इससे जब हम कमल बनाते हैं तो काफी सुंदर सा देखने में लगता है और इसी तरह से मैं इस तरह का एक सेक्शन वाला डब्बा ले लेती हूँ और उसमें सभी चीज़ों को एक साथ रख देती हूँ तो जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमें सभी चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ता है सभी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो वहाँ पे मैं एक सेक्शन में इस तरह से इलायची रख रही हूँ एक सेक्शन में लवंग रख रही हूँ क्योंकि इलायची लवंग और पान हमें रोज भगवान जी को माता रानी को चढ़ाना रहता है तो इस तरह से मैं उसे रख रही हूँ उसी के साथ सुपारी रख रही हूँ यहाँ पे मैं बहुत सारी सुपारी लाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नवग्रह भी बनाती हूँ तो जिसमें मुझे सुपारी की ज़रूरत पड़ती है और कलश में भी डालना होता है साथ ही यहाँ पर हल्दी की गाठ रखी हूँ फिर उसी के साथ कमल गट्टा भी रख रही हूँ साथ में और एक सेक्शन में इस तरह से इत्र रख दे रही हूँ अलग अलग फ्लेवर के इत्र हैं उसी के साथ मौली रख दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने पीला कलर में जनेव लाया है गणपति जी के लिए उसे रख दे रही हूँ तो इस तरह से इस डब्बे में सभी चीज़ें आ गई हैं जब भी ज़रूरत होगी तो फटाफट इसमें से ही एक ही जगह से हम ले सकते हैं फिर नौ दिन माता जी के प्रसाद में तो अलग अलग भोग चढ़ते हैं अलग अलग दिन माता के अलग अलग भोग होते हैं लेकिन उसके साथ रेगुलर में मैं इस तरह से जो पंचमेवा होता है उसे भी भोग लगाती हूँ फ्रूट के भोग लगाते हैं ये भी आपके यथाशक्ति आप जो भी चीज़ें हो उसे लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर हमेशा से पंचमेवा का भोग लगाती हूँ तो उसे भी मैं इस तरह से एक सेक्शन में करके रख देती हूँ जो भी बादाम काजू छोहाड़ा हुआ और मनुका हुआ उसे रख देती हूँ एक डब्बे में मखाने रख देती हूँ तो इस तरह से ये पंचमेवा रेडी हो जाता है और साथ में एक डब्बे में बतासे रख देती हूँ क्योंकि माता रानी को बतासों का भी भोग लगाया जाता है इस तरह से देखिए सभी डब्बों में माता रानी के भोग रेडी हो गए हैं उसी के साथ इस तरह का जो रामदाना होता है और खड़ी शक्कर होती है इसे भी ले रखती हूँ मैं जिस तरह से लगता है उस तरह से माता रानी का भोग लगा देती हूँ इसी तरह से जो नवे दिन नवमें के दिन मैं होम भी करती हूँ तो होम के लिए भी जो चीज़ें लगती हैं उसे मैं पहले से ही ला के रख देती हूँ और सभी को एक जगह पे अलग कर देती हूँ जिस इस तरह से जौ हुआ काला तिल हुआ हवन सामग्री हुई चावल हुआ नवग्रह लकड़ी हुई आम की लकड़ी हुई तो ये सब चीज़ें एक जगह रहती हैं तो जिससे आसानी से जिस दिन हवन होती है उस दिन हवन का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है और इसी के साथ मैं रेगुलर में अगियार भी कर करती हूँ तो अज्ञार की भी तैयारी करके रखती हूं इस तरह से मैं सभी मिश्रण को एक साथ मिक्स करके रख देती हूं जिससे कि फटाफट जिस दिन पूजा करती हूं रोज सुबह शाम और इस लेके मिश्रण को मैं अज्ञार कर लेती हूं अग्हार के लिए इस तरह से ये हवन सामग्री आता है जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटी और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो उसे मैं ले लेती हूँ उसी के साथ इस तरह जो गुड़ का पाउडर आता है उसे ले लेती हूँ आप यहाँ पे शक्कर भी ले सकते हैं या शक्कर का पाउडर भी ले सकते हैं साथ ही यहाँ पे मैं ये अपना उसमें साथ में लोहबान का पाउडर डालती हूँ बहुत अच्छी खुशबू आती है माता रानी को इस तरह के जो भी खुशबूदार चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद होता है तो इस तरह से मैं उस उसमें लोहबान भी डाल देती हूँ साथ ही यहाँ पे हनी डालती हूँ शहद डालती हूँ और घी डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ इस तरह से मिक्स करके रख देने के बाद और जब मुझे सुबह शाम आरती के बाद अग्नार करना रहता है तो मैं आराम से इसमें से मिक्सर, मिक्स ले कर और उसे अग्हार कर लेती हूँ और उसी के लिए मैं इस तरह से अग्हार के लिए इस तरह से जो गोबर के कंडे आते हैं उसे भी इस डब्बे में करके रख लेती हूँ और उसे मैं टुकड़े में करके रखती हूँ कि और छोटे छोटे टुकड़े ही लगते हैं अग्यार करने के लिए तो ये भी मेरी जो भी तैयारी होती है वो पहले से हुई रहती है अगर नवरात्रि के पहले दिन ये सब चीज़ें करने जाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और जल्दबाजी में चीज़ें ठीक भी नहीं होती हैं तो इस तरह से मैं पहले से ये सब चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ अब मेरी ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो गई है तो यहाँ पे मैं आपको मेरी माता रानी के कपड़े दिखा देती हूँ वस्त्र जो मैंने उनके लिए लाया है तो इस तरह से देखिए मेरी माता रानी मूर्ति में है उनका विग्रह है मेरे पास तो उनके लिए मैंने इस तरह से लहंगा चुनरी लाया है तो काफ़ी सुंदर सा है इस तरह से ये वेलवेट के कपड़े में है यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एक ही पूजा की दुकान है और उनके पास बहुत सारी वेरायटी नहीं मिल पाती है मेन मार्केट मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ लेकिन इस बार जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो यहीं से मैंने ले लिया है जो भी यहाँ मिला मैंने काफी कोशिश किया कि अच्छी सी अच्छी ही मेरी माता रानी के लिए मैं वस्त्र खरीदू तो इस तरह से देखिए एक द, 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 मरून कलर में शेड है और एक इस तरह से रेड कलर में है काफी सुंदर सा ये भी है मुझे अच्छा लगा तो ये ले लिया है और पीछे चक्र के लिए इस तरह से एक ये चक्र के लिए ले लिया है और हरा कलर का चुनरी ले ली है और उसी के साथ ही ये छोटा मोटा आभूषण ले लिया है माता रानी के लिए अब जब नवरात्रि के पहले दिन उन्हें मैं सजाऊंगी तब आप मुझे ज़रूर उसे देखिएगा बहुत सुंदर मेरी माता रानी लगेंगी तैयार करने के बाद तो इस तरह से ये मेरे माता रानी के कपड़े हो गए हैं अब यहाँ पर माता रानी का दरबार भी तैयारी कर लूँगी दरबार भी सजा लूँगी पहले से जो छोटी मोटी तैयारी है उसे पहले से कर लूँगी तो मुझे नवरात्रि के पहले दिन ज़्यादा काम का टेंशन नहीं आएगा ज़्यादा मेरी दौड़म भाग नहीं होगी हर बार मैं मेरे माता रानी का दरबार मेरे हस्बैंड के ऑफिस रूम जो है बेडरूम है उसमें ही लगाती थी और वहाँ पे मैं सेंटर टेबल रख के वहाँ सजा के वहाँ पे माता रानी का नौ दिन का पूजा करती थी लेकिन वो सेंटर टेबल काफ़ी छोटा पड़ जाता था सभी चीज़ें उस पर बहुत अच्छे से नहीं आ पाती थी तो मैंने सोचा कि इस बार मैं मेरे लिविंग रूम में मेरे डाइनिंग टेबल पर ही मैं माता रानी का दरबार लगाऊँगी वहीं पर सजाऊँगी और वहीं पूजा करूँगी तो इस तरह से डाइनिंग टेबल को पहले क्लियर कर ले रही जो भी उस पर चीज़ें हैं उसे हटा दे रही हूँ और हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और क्लीनिंग करने के बाद अब यहाँ पे जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उसे पहले निकाल लूंगी जो भी दिवाली के डेकोरेशन की चीज़ें हैं और दो साल पहले तक मैं गणपति भी बिठाती थी तो गणपति की भी काफ़ी सारे डेकोरेशन की चीज़ें घर में पड़ी हैं तो उसी में से मैं देखूँगी कि क्या चीज़ मुझे यहाँ पर सजाने के लिए काम आएगी तो उसी में से मैं सजाऊँगी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाऊंगी हम आप भी कभी भी आपके घर में कोई भी डेकोरेशन करना हो तो पहले आपके घर में क्या चीज़ें हैं उसे पहले चेक कर लिया करें अननेसेसरी बाहर से हम चीज़ें ला देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हमारे घर में ऑलरेडी उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो इसलिए सबसे पहले आप घर में ही चेक कर लिया करें कि कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास उसके बाद ही बाहर से लाना आ, लाने की कोशिश किया करें तो इस तरह से देखिए मेरे पास इस तरह से मैंने ये लाल कलर की ये चमकी वाला वाला कपड़ा था उसे ही मैंने इस तरह से डाइनिंग टेबल का ये सिला हुआ था कवर गणपति के टाइम का ही है तो इसे ही मैं यहाँ पे पहले डाइनिंग टेबल को कवर कर लूँगी तो इस तरह से कवर करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दिखने लगा है ऐसे ही लगाने के बाद ही डायरेक्ट फिर उसके ऊपर से यहाँ पे मैं ये चुनरी है मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो वहाँ पे मुझे ये प्रसाद के रूप में चुनरी मिला था तो उसे मैं ऊपर से इस तरह से बिछा दूँगी काफ़ी सुंदर सा लग रहा है माता रानी की चुनरी माता के रानी के ही चौकी में काम आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इस तरह से इसे बिछा दे रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का ये हाफ सर्कल में इस तरह से फ्लावर्स का डेकोरेशन वाला आर्टिफिशियल फ्लावर्स के डेकोरेशन वाला भी ये चीज़ मेरे पास पड़ी थी तो उसे भी मैंने निकाल लिया है उसे यहाँ डेकोरेशन के लिए यूज़ करूंगी तो इस तरह से पीछे की तरफ मैंने ये रख दिया है साथ ही यहाँ पे दिवाली के टाइम की इस तरह की मेरे पास लड़ियाँ पड़ी हैं काफ़ी सारी लड़ियाँ हैं तो उसे मैं इस तरह से फ्रंट में भी लगा दूँगी इस तरह से फ्रंट में लगाने पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा लुक आने लगा है अब यहाँ पे सिर्फ कमी रह गई है यहाँ पे लाइटिंग की तो थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइटिंग लगा दूँगी बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं लगाऊंगी नहीं तो माता रानी के आँखों पे चुभेगा वो तो हमारे भाव की भूखी होती हैं ये सब चीज़ें तो एक हम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने मेरे माता रानी की दरबार सजा दिया है और लाइटिंग भी कर दिया है बहुत ज़्यादा मैंने लाइटिंग नहीं लगाया है और बहुत ज़्यादा भी डेकोरेशन नहीं किया है सिंपल और सोबर में रखा है तो इस तरह से मेरे माता रानी की चौकी दरबार सज गई है अब यहां पे कल पूजा की तैयारी कर लूँगी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट सब हो गई है कल सुबह दो मुहूर्त है पूजा घट स्थापना की तो देखती हूँ किस मुहूर्त में मेरे से पॉसिबल होगा क्योंकि बाकी चीज़ें भी मुझे देखनी होती है घर भी होता है बच्चे का स्कूल भी होता है लेकिन इस बार अच्छा ये हुआ है कि संडे के दिन आया है तो बच्चे के स्कूल की घाई नहीं रहेगी आराम से सभी चीज़ें हो जाएंगी तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि आप पहले ही घट स्थापना की और नवरात्रि के पहले दिन की पूजा शेयर करें लेकिन वो पॉसिबल नहीं था जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ तो वो वीडियो मेरी नेक्स्ट डे आएगी तो उसे भी आप जरूर वॉच करना सो so फ्रेंड ये थी मेरी नवरात्रि के पहले की तैयारी की वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को पसंद आई हो आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाय बाय